प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने रविवार को नार्मल स्थित निर्माणाधीन नवीन मानसिक मंदित विद्यालय तथा लाल डिग्गी स्थित राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि प्रदेश सरकार का निर्देश है कि प्रदेश में निर्माणाधीन कार्यों को समय अवधि के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में कई परियोजनाएं संचालित हैं जिसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कार्यों की प्रगति संतोषजनक मिली है। उन्होंने कहा कि जनपद में निर्माणाधीन कार्य 2022 की शुरुआत तक पूरा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी कार्य समय से पूरा हो जाए, जिसको समाज की सेवा में समर्पित किया जा सके, जिससे दिव्यांगजन छात्रों के लिए मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक महीने निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, ये ममता विद्यालय इसका सर हॉस्टल पे इधर है, स्कूल का सेगमेंट अभी स्कूल वाला नहीं स्कूल वाला ही ज्यादा बन गया। ये आपको इतना हम नवंबर तक दे देंगे जो मेन आइटम नवंबर तक एक करोड़ लेकर आपको कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा जो भी कला प्रतिशत काम हुआ है, वो अभी तक सर बुलाइए अभी 70% करीब जो है सर ये हो गया है। ये इंटर कॉलेज है और इधर प्राथमिक विद्यालय भी बन रहा है। नहीं, अभी तक इसको कितना पूरा करना था और कहां तक पहुंचे हैं सर? इसमें पैसा हमें देर से मिला है, ये मार्च में ही मिला था और उसके बाद जो है काम कब से लगा हुआ है चल रही है, कब तक देने को है तैयार करने का टाइम बाउंड क्या है इसका? मई बाईस अभी क्या लक्ष्य है रोज हर महीने का? बाईस तो नहीं है, एक हिसाब जा रहे हैं 23 में चलो अभी आधा पैसा मिला है सर, वो 21 में है, नवंबर 21 थी सर, अभी हमें आधा पैसा मिला है। आप पैसा खर्चा कर लेंगे तभी तो पैसा आगे का मिलेगा। जी अगले महीने ये उसे भेज दीजिए, जो पैसा मिला है उसको पहले खर्चा कर लीजिए तब आगे का पैसा मिलेगा। जी उधर में हॉस्टल में सर आगे टाइकोन टाइप 3 है सर, वहाँ पैसा तो मिला हुआ है सर। अभी कई प्रतिशत आपने काम किया है आपके उसमें के सर कितना पैसा मिला है? कितना आपसे पूछ रहे हो बता दीजिए ना। 450 मिला है सर, 373 खर्चा खर्चा 4.50 प्रतिशत काम आपने किया है अभी? 42% से फुटिंग में एरिया कम था, स्पेसिंग पीछे से दिक्कत आई। ये तो आप पहले ही जानते होंगे। G+1 वहाँ पे भी 100 सीटेड में G+1 G+2 है, G+1 के स्लैब लगा और टाइप वन आवास सर 6 आवास का जो है छत पड़ गया। समय से अगर पूरा नहीं किया आपने पूरी कार्रवाई होगी इतना समझ लीजिएगा सर। समय के अंदर काम किसी भी सूरत में पूरा होना है इतना समझ लीजिए, जो समय निर्धारित किया जी पर पूरा सर बिल्कुल। और हर महीने का लक्ष्य निर्धारित करिए कि इस महीने में इतना प्रतिशत बढ़ा लेंगे, इस महीने में इतना प्रतिशत, तब जाकर आप काम पूरा कर पाएंगे सर। इसको समझ लीजिए।
समाज कल्याण से हैंड ओवर हो रहा है जमीन का जी पहले कम था काम करिए समय को नहीं काम करेंगे तो आपके ऊपर भैया बताएंगे कार्रवाई करना इधर इधर भी तो तेजी से काम हुआ हो सकता है सर ये सब अच्छा बन जाए थोड़ा खेलने के लिए ये कैसी बिल्डिंग है ये चलिए छात्रवास समाज कल्याण का पूछी जाती हूँ छात्रवास को अच्छा अच्छा हमें आप जाना परियोजनाएं यहां पर हमारे विभाग की चल रही है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी योजनाएं हमारी निर्माणाधीन हैं, वो समय अवधि के अंदर वो सारे के सारे काम पूरे हो जाएं। यहां भी कई परियोजनाएं हमारे विभाग की चल रही है और एक संतोषजनक प्रगति है। अधिकतर कामों का जो समय बाउंड है, टाइम बाउंड जो है, वो 2022 की शुरुआत में है। हम लोगों का यही प्रयास है कि समय सीमा के अंदर ये सारे काम संपन्न हो जाएं और समाज की सेवा में हम लोग उसको समर्पित कर सकें, ताकि हमारे जो दिव्यांग, हमारे जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके पठन पाठन के लिए जो सरकार का संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, हम उसको पूरा करते हुए एक अच्छा अवसर उनको उपलब्ध करा सकें। यानी ये कहा जाए कि आप लोग जो है इस काम से अभी तक जो प्रगति है उससे पूरी तरह से संतुष्ट? हाँ, अभी जो प्रगति है संतोषजनक है, लेकिन हम इससे बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए हमने निर्देश दिया है कि हर महीने का लक्ष्य निर्धारित करें, काम का लक्ष्य निर्धारित करें। माहवार प्रगति का जो प्रतिशत है उसको निर्धारित करें, उसके उसी के आधार पर काम अपना आगे बढ़ाएं। 22 शुरुआत में ये सारे हमारे काम पूरे होने वाले हैं।